वेलकम टू माई चैनल दिस साइड ब्यूटी यादव। और आज हम जा रहे हैं नौगा विहार, क्योंकि आज बहुत ही स्पेशल चीज़ होने वाली है। सो वीडियो के एंड तक बने रहना, बाय ने रहना, बाय खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। सो गाइज, हम जा रहे हैं ऑटो बुक करके, क्योंकि हम हैं पूरे 5 लोग, और 5 लोगों का एक बाइक पे बैठना बोले तो इम्पॉसिबल है। पर इस चीज को पॉसिबल करके दिखाया हमारे कुछ इंडियन लोगों ने। खैर वो छोड़ो, यहाँ पे मेरी प्यारी प्यारी मासी को देखो। सो रास्ते में जाते जाते यहाँ पे हमें दिख गया जू, जो कि बहुत ही सुंदर और प्यारा है। और अगर आपको इसका व्लॉग चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना। सो गाइस, फाइनली हम नौका विहार आ चुके हैं, और यहाँ आते ही आपको दर्शन होंगे हमारे प्यारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का। सो ये रहा नौका विहार का मेन गेट, और इंडियन रोड पे आप देख सकते हैं बिल्कुल फ्री में। सो गेट के बाहर आपको दिख जाएगा ये ब्यूटीफुल सा रामगढ़ ताल का व्यू, और ये देखने में उतना ही सुंदर और साफ है जितना कि आप और आपका दिल है। तो क्या आप कुछ कहना चाहेंगे? हम लोग आ गए नौका विहार, आज मेरा बर्थडे है, मेरा मेरा मेरा। सो गाइज, फाइनली हम आ चुके हैं गेट के अंदर, और हमारे साथ साथ यहाँ पे और भी ढेर सारे लोग हैं जो कि बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं वाटर शो का। सो अभी भीड़ बहुत ही कम है, बट जब तक वाटर शो स्टार्ट नहीं होता तब तक हम कुछ खुरा पाती कर लेते हैं। एंड गाइज, धीरे धीरे भीड़ इतनी तेज़ी से बढ़ रही है, क्योंकि वाटर शो बहुत ही कमाल का होता है, तो भीड़ तो ऑफकोर्स होनी सी है। एंड गाइज, आप एक बार शाम का व्यू देखो, वाओ। सो यहाँ पे हमारा वाटर शो स्टार्ट हो चुका है, तो आप देख सकते हो। जैसे महात्मा, अगर एक और भारत के आजादी के दीवानों ने अपने लहू से मुझे सींचा, तो दूसरी ओर प्रेमचंद की लेखनी और भाषा ने मुझे नई परिभाषा दी। मेरे रोम रोम में छिपी है एक रोचक गाथा। कहानी शुरू करते हैं मेरे नाम की गाथा से। यही महापरिनिर्वाण मंदिर में भगवान बुद्ध की लेटी हुई मूर्ति भी है। सो वाटर शो देखने के बाद हम वेट कर रहे हैं कुछ लोगों का, जो कि बर्थडे पार्टी में इनवाइटेड हैं। सो वाटर शो देखते देखते हो चुकी है बहुत ही देर। सो अब हम चाहते हैं कि हम सेलिब्रेशन कर ले, और एक बार आप इस से बलून को देखो, कितना ज्यादा प्यारा लग रहा है ना। सो फाइनली गाइज, इंतजार की घड़ी अब रुक चुकी है, क्योंकि सारे लोग आ चुके हैं। सो उसमें इंक्लूडेड है मेरे मामा और मेरा कजिन कृष्णा। सो यहाँ पे मामा ने टैटू बनवाया है मेरी मामी के नाम से और मेरी नानी के नाम से। सो आपको टैटू कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। गाइज, एक बार आप इन छोटे छोटे बच्चों को देखो,
इसे देख के हमें अपनी बचपन की याद आ गई है। सो अब बारी आती है गोरखपुर के सबसे ऊंचे तिरंगे को देखने की। ये है गोरखपुर का सबसे ऊंचा तिरंगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्यारा है और मेरे घर के छत पे से भी दिखता है। एंड यहाँ पे ये टैडी था जो कि पता नहीं क्या बातें कर रहा था। सो गाइज, यहाँ पे बहुत 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 ही ज़्यादा भीड़ है। सो अभी हम निकल पड़े हैं, एक परफेक्ट लोकेशन ढूंढ रहे हैं हम, ताकि हम गगन का बर्थडे सेलिब्रेट कर सकें। सो बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए हमें एक परफेक्ट लोकेशन मिल गई है। सो यहाँ पे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं गगन का बर्थडे। गाइस, कौन कौन बंदर नहीं लग रहा है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। इमोशनल डैमेज। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। सो गाइस, सारे लोग अपना अपना फ़ोटो क्लिक करा रहे थे, जहाँ देखो वहाँ फ़ोटो फ़ोटो फ़ोटो। सो मैंने सोचा कि वीडियो बनाने के साथ मैं भी कुछ फ़ोटो क्लिक करा लूँ। सो मैं यहाँ पे अपने प्यारे मामा के साथ फ़ोटो क्लिक करा रही हूँ। सो गाइस, ये प्यारा सा बलून इसके गिफ्ट में इंक्लूडेड है। और यहाँ पे मुझे बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है, बल्कि मुझे ही नहीं सारे लोगों को, क्योंकि हवा का तो नामो निशान नहीं था। और यहाँ पे हमने फोटोग्राफर से कुछ फोटोज क्लिक कराई हैं। सो यहाँ पे ये लोग शूट कर रहे हैं वो रिंग लाइट राउंडेड वाली रील, और मेरे मामा को भी इसमें बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट आ गया है, तो मेरे मामा भी यहाँ पे रील शूट कर रहे हैं। बट उनके फेस पे कोई भी एक्टिंग नहीं है, वो सीधा साधा एक पेड़ की तरह खड़े हैं एंड रिंग लाइट उनके चारों तरफ घूमते जा रहा है, घूमते जा रहा है, घूमते जा रहा है। सो गाइज, इतनी सारी फोटो क्लिक्स करने के बाद भी हमारा पेट नहीं भरा है। सो हम आ गए हैं इस टेडी बियर के साथ फ़ोटो शूट करने। बट ये टेडी बियर अपना मुंह छिपा रहा है, क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि ये इनके साथ फ्री में फोटो शूट करा लें। सो गाइज, यहीं पे हमारा व्लॉग एंड होता है। और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा। सो हम आए भी थे ऑटो से और जाएंगे भी ऑटो से।